दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे रास्तों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में जानने के बाद शायद ही आप इन रास्तों पर जाने का सोचेंगे, क्योंकि इन रास्तों पर आए दिन भूतिया घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई नासिक हाईवे। इस हाईवे के कई भूतिया किस्से लोगों द्वारा सुनाए जाते हैं जिन्हें उन्होंने लाइफ में अनुभव किया है। उनका कहना था उन्होंने वहां पर बूढ़ी औरत का भूत देखा जो लिफ्ट मांगने के लिए लोगों को रोक देती है और गाड़ी ना रोकने वाले का दूर तक पीछा करती है। जो इस रोड पर इस भूतनी को देख लेता है वो दोबारा यहाँ जाने का सोचता भी नहीं। रांची जमशेदपुर हाईवे। इस हाईवे के दोनों कोनों पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा किए बिना निकलने वाले लोगों को भूत परेशान करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर आप वहाँ पर पूजा करके निकलते हैं तो भूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि इस हाईवे पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है। बेसेंट एवेन्यू रोड। ये चेन्नई का रास्ता सुबह के समय तो काफ़ी भीड़भाड़ वाला रहता है, लेकिन सूरज ढलते ही ये सुनसान होने लगता है। लोगों ने बताया कि उन्हें महसूस हुआ है कि उन्हें कोई थप्पड़ मार रहा है या किसी ने चलते चलते अचानक उन्हें दूर उठाकर फेंक दिया हो। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे। भानगढ़ का डरावना किला आपको याद होगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात के वक्त डरावने किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों का कहना है कि वे बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या महसूस किया है, खासकर कि तब वे जब भानगढ़ किले के आसपास होते हैं। ये बताया जाता है कि भानगढ़ किले के पास उन्हें कोई भूतनी दिखाई देती है। मुंबई गोवा हाईवे। यहाँ होने वाली घटनाएं ये साबित करती हैं कि इस हाईवे पर कोई आत्मा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली गाड़ियाँ अचानक पलट जाती हैं। इन हादसों से बचने वालों का कहना है कि कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो गाड़ी रोकने की कोशिश करता है। जो गाड़ी रोक लेता है वो तो गायब हो जाता है, और अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता तो उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। दिल्ली कंटेनमेंट रोड। इस रास्ते पर भी सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है। दिल्ली के लोगों के लिए ये रास्ता काफ़ी भूतिया है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा हो। ये भी कहा जाता है कि ये एक भूतनी है जो अकेले सफ़र कर रहे लोगों का शिकार करती है। तो दोस्तों, क्या आप पहले इनमें से किसी रोड पर गए हैं, और अगर नहीं गए तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।